Module 157 in production analysis, we are going to study our next topic related to the market constraints. In market constraints, even when we have certain factors that though they are not the financial constraint, but they act as a constraint to the producer, and one of them is the one that is called the price constraint. And that price constraint, once we have स्टडिट दैट दैट कैन बी द फॉर्म बाई द प्राइस टेकर एंड एट द सेम टाइम देर आर सर्टन देर आर आर कॉल द प्राइस रेगुलेटर रेगुलेशन मीन्स एडजस्टमेंट सर्टन लेवी ऑफ सर्टन रूल्स और सेटिंग ऑफ सर्टन बाउंड्रीज तो रेगुलेशन जब भी हम कहेंगे देयर विल बी सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन जब हम कहते हैं मीन हम उनके ऊपर कोई ना कोई एक लिमिट लगा रहे होंगे किसी चीज के ऊपर कि इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते या इसे लेस नहीं जा सकते तो वी से द प्राइस रेगुलेटर्स मोस्टली ये हम उनके लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं उन फर्म्स के लिए जो मोस्टली नेचुरल मोनोपोली को एंजॉय कर रही हो एंड व्हेन वी से द नेचुरल मोनोपलीज इट मींस दोस फर्म्स और दोस बिज़नेस टाइकॉन्स इवन वी कैन से बिकॉज अगर ये प्राइवेट सेक्टर होगा तो वो फर्म्स हो सकती हैं जो हमारे उन सेटअप्स को टोटल इकोनोमी में चला रही होंगी जो सभी की डिमांड के लिए होंगी और वो सभी की डिमांड में अगर हम देखें तो जिस तरह आजकल की डिजिटल इकोनॉमी में सभी को इंटरनेट चाहिए होगा सभी को एंटरटेनमेंट का कुछ ना कुछ सेटअप चाहिए होगा और लाइक द एनर्जी सप्लाई अगर हम देखें तो लाइक दिस व्हेन द सप्लाई ऑफ द वायरलेस सिस्टम सप्लाई ऑफ द नेचुरल एनर्जी सिस्टम और माइट बी दिस जिसको हम हमारे पाकिस्तान में सुई गैस के हवाले से हम कहते हैं तो कोई भी और इसी तरीके की फार्म जो गैस के हवाले हो तो, तो दैट कैन बी द नेचुरल मोनोपोली बिकॉज दिस टाइप ऑफ द बिजनेस दे रिक्वायर अवज सेटअप तो ये मुमकिन नहीं होता कि एक छोटे लेवल वाला जब इसमें एंटर हो तो वो अपनी कॉस्ट को मीट कर सके तो मोस्टली वो वाली फार्म जो नेचुरल मोनापली के तौर पर ऑलरेडी मार्केट में प्रोवेल कर रही होती हैं उनकी तरफ से जो प्राइस आ रही होती है वो एज ए प्राइस रेगुलेटर के तौर पे अगर हम देखें तो कई दफ़ा गवर्नमेंट को लगानी पड़ती है और कई दफ़ा वो न्यू एंट्रेंट के लिए खुद ब खुद ही ये एक प्रॉब्लम भी बन सकती है अब अगर हम इस पर फर्दर देखें कि इसके पीछे रीज़न क्या है तो वेन वी से तो हम कहते हैं कि नेचुरल मोनोपलीज जब भी कहीं प्रोवेल कर रही होंगी उनके लिए कोई ना कोई सेटअप बनाना पड़ेगा और वो जो नेचुरल मोनोपलीज हैं मोस्टली चूँकि वो पब्लिक यूटिलिटीज़ के साथ डील कर रही होती हैं तो उनका दायराकार बहुत बड़ा होता है अब उस दायराकार बड़ा होने में डेफिनेटली दे आर हैविंग लार्ज सेटअप और उनके कंज्यूमर भी उसी हवाले से बहुत ज़्यादा होंगे और वो कंज्यूमर्स वेन द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एंड एट द सेम टाइम इफ द पीपल दे आर हैविंग सर्टन एफल्ट लाइफ स्टाइल और इंक्रीज इन द इनकम तो इस वे में भी उनके न्यू एंट्रेंट ऑफ द कंज्यूमर ऐड होते हैं और ऐड होने से डिमांड बढ़ती है तो जब डिमांड बढ़ेगी अगेन देयर विल बी स्कोप ऑफ एक्सपेंशन इन द बिजनेस ड्यू टू दिस द इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल हमेशा प्रिवेल कर सकता और वो इकोनॉमीज़ ऑफ़ स्केल की वजह से ये जो नेचुरल मोनापोलिस्ट हैं इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट न्यू एंट्रेंट के मुकाबले में हमेशा कम होगी और जब वो प्राइस कम होगी तो अगर हम उस पर देखें तो वो नया प्रोड्यूसर या नई फॉर्म कभी भी उसके साथ उस तरीके से कम्पीट नहीं कर सकते अब यहाँ भी इसका क्या तरीकाकार है समटाइम अगर हम कहें गवर्नमेंट इंटरवीन करती है तो गवर्नमेंट इंटरवीन मार्केट स्ट्रक्चर की फॉर्म में कर सकती है गवर्नमेंट इंटरवीन किसी भी और फॉर्म में करे तो वो अलाउ कर सकती है कि बहुत सारी फॉर्म्स को लसेंस दे दे कि वो मार्केट में एंटर हों कुछ हो उनको नहीं हो इंसेंटिव दे दे ताकि जो नेचुरल मोनापलिस्ट हैं उनके साथ कंपटीशन एनहांस हो और हम उसी तरीके से कुछ मार्केट शेयर जब नए लोगों को देंगे ज़्यादा एक्सपेंशन के तहत तो माइट भी कि वो फिर कॉस्ट वाला सिस्टम कुछ मीट हो सके लेकिन यहीं पे कई दफ़ा टू डील विद द कंज्यूमर्स इस तरीके की सिचुएशन भी आ जाती है जिसमें प्राइस रेगुलेशन लगा के एक लोअर प्राइस अटैच कर दी जाती है अब वो अगर हम इस ग्राफ की शक्ल में देखें तो हम इसको क्लियरली देखें तो ये मोनोपोलिस्ट के ग्राफ को शो अब मोनोपोलिस्ट जिसका डिमांड कर्व अगर हम देखें तो यहाँ पे है और बिकॉज ही इज़ एन इन्फ्लुएंसर और ही इज़ अ पर्सन और ही इज़ अ फर्म जो कि मार्केट में अपनी मर्जी से क्वांटिटी को भी सेट कर सकता है और अपनी मर्जी से प्राइस को भी सेट कर सकता है तो इसीलिए जब वो अपनी मोनोपोली प्राइस तय करता है तो वो इस पॉइंट पे तय करता है और अगर हम इस मोनोपोली प्राइस पे देखें तो डेफिनेटली नेचुरल मोनोपलिस इतनी हायर प्राइस तो मार्केट में वो उसको रिटेन कर रहा है लेकिन इतनी मार्केट प्राइस रिटेन करने के साथ जो एक्चुअली लॉस टू द सोसाइटी आ रहा है कि उसकी एक्चुअल सप्लाई टू द मार्केट जो है वो बहुत थोड़ी होती है अब अगर हम उसको इसी हवाले से देखें कि एक फेयर रिटर्न प्राइस अगर वो ले मीन जिसके ऊपर उसकी कॉस्ट भी कवर हो रही हो और उसको कुछ प्रॉफिट भी हो रहा हो तो हम कहते हैं कि वो इस पॉइंट पे आ रहा है जहां उसको डिमांड का जो एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व जो है वो उसकी डिमांड कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट के ऊपर भी अगर हम देखें तो विद द इकोनॉमीज ऑफ स्केल वो उस पॉइंट पर मौजूद है जब वो प्राइस अपनी कम कर चुका है और क्वांटिटी इतनी प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन वो फिर भी उसका डिमांड कर्व की डाउन साइड में जब वो डिक्लाइनिंग पे है वो वहाँ पे उसके साथ इंटरसेक्ट करता है तो यहाँ पे भी नेचुरल मोनोपली वाला फिर भी इन दैट पोजीशन है कि वो अच्छा गेन कर सकता है अब अगर हम यहाँ पे एक और पार्ट ऐड करते हैं तो वो ये है कि वेन वी हैव दिस मार्जिनल कॉस्ट कर्व लाइक दिस तो अगर हम कहें कि एक्चुअली जो सोशली ऑप्टिमल प्राइस है वो इतनी होनी चाहिए थी ताकि इस प्राइस के ऊपर अगर हम रेगुलेशन चूंकि अगर लगाएं और कट करें कि इतनी प्राइस हम मार्केट में करें ताकि वो इतनी अमाउंट ऑफ आउटपुट जो है वो मार्केट में प्रोवाइड कर सके तो लाइक वाइज टाइम दिस टाइप ऑफ द रेगुलेशन्स इट कैन प्रोवाइड सर्टन कॉन्स्ट्रेंट टू द प्रोडूसर और इन दैट फॉर्म जो हम कहें कि मार्किट को कंट्रोल करने के सेटअप्स में एक मार्किट कॉन्स्ट्रेंट के तौर पर सामने आ जाए एंड नाउ वेन वही एक्सप्लेन तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी जो फर्म है जिसका लोस्ट एवरेज टोटल कॉस्ट हो वो मार्किट में अगर कोई एंटर हो रही हो तो वो जितना भी होगा लेकिन वो एक सिंगल फॉर्म से उसका जो भी सेटअप होगा वो उसका हायर होगा और उसी तरीके से अगर हम देखें कि जो एफिशिएंट और लोस्ट कास्ट प्रोडक्शन है वो फिर रिक्वायर करती है कि उस पूरे सेटअप में एक सिंगल सेलर या एक बड़ा सेलर हो जो उस चीज़ को कवर कर सके ताकि वो उस प्रोडक्शन कॉस्ट को भी मीट कर सके इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम जनरली रूल्स बना रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि एक बिज़नेस का जो प्रॉफिटेबल पॉइंट या वायबल पॉइंट है वो वो है जब उसका मार्जिनल रेवेन्यू उसकी मार्जिनल कॉस्ट को इक्वेट कर रहा हो और इसी रूल को देखते हुए तो अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि जो उसकी क्वांटिटी जो मोनोपोलिस्ट मार्केट में दे रहा है और जो वो प्राइस दे रहा है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग तो हो सकते हैं और उसके साथ साथ वो उस प्राइस पे हैं जो कि अनरेगुलर मोनापोलिस्ट जो है वो सिलेक्ट कर रहा है लेकिन चूंकि प्राइस उसकी एवरेज टोटल कॉस्ट से ज़्यादा है तो ये जो एवरेज टोटल कास्ट से ज्यादा होने की वजह से जो मोनोपोलिस्ट है उसका वो वाला जो गैप है वो हमेशा उसको बेनिफिट के तौर पे मिलता चला जाए थैंक